प्रिय छात्रों, मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी का हिंदी अध्यापक दलविंदर सिंह आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन के पहले पाठ हरिहर काका की विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हरिहर काका पाठ में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और किन किन जगहों का वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हरिहर काका पाठ की विषय वस्तु शुरू होती है लेखक और हरिहर काका की मुलाकात से। जैसे कि मैंने बताया है कि हरिहर काका और लेखक के बीच बहुत अधिक प्रेम था। लेखक किसी समय उस गांव में रहा था। बचपन में उसका हरिहर काका के प्रति बहुत प्रेम था। धीरे धीरे ये प्रेम बढ़ता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लेखक को वहाँ से कहीं और जाना पड़ा। लेकिन जब वो गाँव में वापस आया तब वह हरिहर काका के पास गया और उसे ऐसा लगा कि हरिहर काका मन ही मन कुछ दुखी हैं। लेखक ने बहुत अधिक कोशिश की कि किसी तरीके से हरिहर काका के दुख का पता लगा सके, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब इसके बाद हम बात करें, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ठाकुर बारी के बारे में बताया था, तो ठाकुर बारी का गाँव पर बहुत अधिक प्रभाव था और हर किसी अच्छे काम के लिए ठाकुर बारी को ही जिम्मेदार माना जाता था। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध भी बहुत अच्छा था, मन और तन दोनों स्तर पर। हालांकि सारे गांव वाले ठाकुर बारी में नियमित रूप से जाते थे, परंतु पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया। अब लेखक यहाँ अपने बारे में भी बताता है कि वह केवल मन बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुर बारी में जाता है, लेकिन वहाँ के जो साधु संत हैं उसको फूटी आंखों नहीं सुहाते, यानी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वह केवल ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। अब बात करते हैं हरिहर काका के परिवार की। हरिहर काका के तीन भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है और सबके ही बाल बच्चे हैं। हरिहर काका की दो शादियां होने के बावजूद उनके कोई औलाद नहीं है। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 बीघे खेत आते हैं। अब हरिहर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह कहा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें और समय समय पर उन्हें नाश्ता खाना आदि दें, परंतु पत्नियां शुरुआत में तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती रहीं, परंतु उसके बाद उन्होंने उनको पूछना बंद कर दिया। हरिहर काका को कभी कभी रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता, और अगर कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि उनको फिर पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता था। एक बार हरिहर काका काफ़ी बीमार थे और उनके घर में कोई मेहमान आए, तो उस मेहमान के आने के उपलक्ष्य में कई तरह की सब्जियां, चटनी, रायते आदि बने थे। अब हरिहर काका का मन भी स्वादिष्ट भोजन के लिए ललचा रहा था। हुआ यह कि मेहमान को अच्छे से अच्छा भोजन परोसा गया, परंतु जब हरिहर काका की बारी आई तो उन्हें रोखा सूखा भोजन खिला दिया गया। तो हरिहर काका इस बात पर बहुत अधिक नाराज हुए और उन्होंने अपने भाइयों की पत्नियों को बहुत कुछ बोला। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हिस्से में जो खेत आते हैं उनसे इतनी पैदावार इस घर में आती है कि मैं तो दो चार नौकर रख लूँ, आराम से खाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ
कि परिवार से अलग क्यों रहूं। अब हरिहर काका जिस समय यह बात बोल रहे थे उस समय पर जो ठाकुरवारी के पुजारी थे वह भी ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने बड़े ध्यान से ये चीज़ें सुनी कि हरिहर काका की अपने परिवार से कहा सुनी हुई है, तो उन्होंने जाकर ठाकुरबारी के महंत जी को ये सारा कुछ बताया। अब महंत जी ठाकुरबारी से सीधा हरिहर काका के घर की तरफ चल दिए। हरिहर काका उन्हें रास्ते में ही मिल गए। अब महंत जी ने उनको काफ़ी समझाया कि ये सब माया का बंधन है, मरने के बाद कोई अपना नहीं है, अब तुम इस समय अपनी उम्र के इस पड़ाव में हो कि इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, अगर तुम चाहो तो तुम अपने हिस्से के 15 बीघे खेत ठाकुरबारी के नाम कर सकते हो, और मैं तुम्हें कह देता हूँ कि अगर तुम ठाकुरबारी में आकर रहते हो तो तुम्हारी जो है बहुत अच्छे से सेवा की जाएगी। और उनकी इन बातों को सुनकर हरिहर काका को लगा कि शायद महंत जी ठीक कह रहे हैं, और वे महंत जी के साथ ठाकुरबारी चले गए। अब ठाकुरबारी में महंत ने 2 सेवकों को बुलाकर ये आदेश दिया कि हरिहर काका की सेवा में कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, और हरिहर काका की सेवा शुरू हो गई। अब उन्हें अच्छे से अच्छा खाने को मिलने लगा। इतने में क्या हुआ कि शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस बात का पता लगा। वे लोग गांव में पता करके ठाकुरबारी में पहुंच गए और वहां जाकर हरिहर काका को कहने लगे कि हरिहर काका को अब घर चलना चाहिए कि वे अपनी पत्नियों को समझा देंगे। लेकिन महंत यह नहीं चाहता था कि हरिहर काका अपने घर जाएं, तो उसने बीमारी का बहाना बनाकर ये कह दिया कि भाई एक रात ठाकुरबारी में रह जाने दो। अब हुआ क्या कि भाइयों को वहाँ से निराश होना पड़ा और भाई रात भर जो है सो नहीं पाए। अब उन्हें 15 बीघे खेत की चिंता सता रही थी। सुबह होते ही तीनों भाई ठाकुरबारी पहुंचे और हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अब हरिहर काका का दिल पसीज गया, वे उनके साथ वापस आ गए। और हुआ यह कि भाइयों ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा और उन्होंने अपनी पत्नियों को डांटा। अब घर में भी हरिहर काका की बहुत अधिक खातिरदारी होने लगी। लेकिन महंत ने जब यह देखा कि अब तो ठाकुरबारी को छोड़कर हरिहर काका अपने घर जा चुके हैं और अपने भाइयों के साथ खुश हैं, तो उसे 15 बीघे खेत की उम्मीद ना रही, तो उसने हरिहर काका के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने ठाकुरबारी के कुछ महंतों को, साधुओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया। वे लोग रात के समय, जिस समय उनके भाई आदि वहाँ पर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, हरिहर काका के घर पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पीठ पर लादकर वहाँ से चले गए। गांव में ऐसी घटना किसी ने देखी नहीं थी। तो हरिहर काका के भाई जब लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले तो उन्हें पता लगा कि यह तो महंत का काम है। वे लोग ठाकुरबारी पहुंचे। अब ठाकुरबारी का जो दरवाज़ा था वो बंद था और काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी वह उन्हें उसे खोल ना पाए। अब जब वे फाटक को ज़्यादा पीटने लगे तो ठाकुरबारी की तरफ से रोड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे और वे लोग अपने साथ लाए हुए हथियारों को संभालने लगे। लेकिन इतने में ठाकुरबारी के कमरे जो थे उनकी खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई, तो
जो हरिहर काका के भाइयों का पक्ष था वो सब भाग चले। अब ये लोग पुलिस थाने की ओर दौड़ चले, तो पुलिस जो है उनके साथ वहाँ पहुँची और उन्होंने चारों तरफ से घेरा डालने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस के जवान सीमित थे यानी कम गिनती में थे, तो ठाकुरबाड़ी बहुत अधिक विशाल थी तो उसको घेरा डाल सकने में वे असमर्थ थे। तो उन्होंने किसी तरीके से सुबह होने तक वहाँ का फाटक खुलवा लिया। वहाँ उन्हें एक वृद्ध साधु मिला जिसने कुछ भी मालूम होने से इनकार कर दिया। अब जब ठाकुरबाड़ी की तलाशी हुई तो जो हरिहर काका थे वह उन्हें एक कमरे में बंधी हुई हालत में मिले। उनकी जो हालत थी उसको देखकर भाइयों का खून खौल गया। अब उन्होंने हरिहर काका को खोला और अपने घर लेकर आ गए। अब हुआ यह कि क्योंकि हरिहर काका के भाइयों ने यह सारी घटना देख ली थी तो उनको यह डर बैठ गया कि कहीं महंत फिर से यही कोई काम करके कहीं हरिहर काका की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो उन्होंने पहले तो हरिहर काका को बहुत प्यार से समझाया कि आप अपनी जो जमीन है वो हमारे नाम कर दो, पर हरिहर काका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीते जी तो यह जमीन किसी को नहीं दूंगा, मरने के बाद तो आप ही लोगों की है। हालांकि वही भाई जो पहले पछतावा कर रहे थे अब वे लोग जोर जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने हरिहर काका को मारना पीटना शुरू किया। तो हरिहर काका अपने आप को बचाने की कोशिश में बाहर निकल आए। लोगों ने उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर उन्हें बचाया, पुलिस को बुलाया गया। अब हुआ यह कि हरिहर काका अलग रहने लगे और पुलिस के दो जवान उनकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए। अब हरिहर काका को जिन दो जगह से अपनी रक्षा की उम्मीद थी उन्हीं दो जगह यानी उनके भाइयों और महंत जी दोनों ने इतनी बुरी तरह मारा या डराया कि हरिहर काका को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी। हरिहर काका अब अलग हो गए थे। तो उन्हीं दिनों में गांव में गुटबाजी का माहौल हो गया, गुटबाजी होने लगी। अब कई तरह के गुट बन गए यानी समूह बन गए। एक गुट का ये कहना था कि हरिहर काका को जमीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, जबकि दूसरा गुट यह कहता था कि नहीं, हरिहर काका को यह जमीन ठाकुर बारी के नाम करनी चाहिए ताकि वे अपना लोक और परलोक दोनों संवार सकें। जबकि एक तीसरा गुट ऐसा भी था जो ये कहता था कि हरिहर काका को अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करनी चाहिए और इस जमीन से ही तो उनकी जिंदगी का जरिया निकलता है। अब लेखक के अनुसार इस समय जो माहौल है गांव का वह बहुत खराब हो चुका था और यह भी सुनने में आ रहा था कि महंत ने भी पूरे देश से बहुत से लोग बुलाए हैं जो कि उनकी हरिहर काका की जमीन लेने में मदद करेंगे। और इसके अलावा उनके भाई भी किसी डाकू के साथ गठबंधन कर रहे थे। तो लेखक के अनुसार अब का जो घटनाक्रम है वो इस तरह से था। तो छात्रों, हम इस पाठ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि आज के समाज में बुजुर्गों की कोई कदर नहीं रही। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में बंधा हुआ है, चाहे वह अपना परिवार हो और चाहे वह धार्मिक स्थल हो जिससे कि समाज को दिशा मिलती है। वे लोग अपने स्वार्थ की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक तरफ जहां ये सारा घटनाक्रम बताया है, उसके साथ साथ उसने एक किस्म से हमें यह भी बताने की कोशिश की है कि प्रेम के जो रिश्ते होते हैं उनमें लालच की भावना का कोई स्थान नहीं होता। तो हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें अपने रिश्तों का आदर करना चाहिए और बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। तो छात्रों, यह थी इस हरिहर काका नामक पाठ की विषय वस्तु और घटनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं आपको हरिहर काका पाठ को पूरी तरह से पढ़ने की सलाह दूंगा, ताकि आपको और अच्छी तरह से इस पाठ के बारे में पता लग सके। अब इसके बाद जो इस पाठ की बैक एक्सरसाइज यानी अभ्यास है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।